जैसे जैसे उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर गरमा रही है, वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भी वोटरों को लुभाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। विधानसभा में राजनेता अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए जनता के बीच लुभाने का काम कर रही हैं। जहां एक ओर सांवेर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार तुलसी सिलावट ने अपने जीत की दावेदारी करते हुए घर घर तुलसी वितरण किए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के सांवेर विधानसभा में अपना भाग्य आजमा रहे प्रेमचंद गुड्डू द्वारा भी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर सावन माह के दौरान शिवलिंग वितरण किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदाशिव यादव ने बताया कि सावन माह के इस पवित्र महीने में जहां घर घर शिव की पूजा की जाती है, जहां एक ओर मंदिर के पट अभी फिलहाल लॉकडाउन के दौरान बंद हैं, इसके मद्देनजर कांग्रेस पार्टी द्वारा घर घर जाकर शिवलिंग वितरण किया जा रहा है, लोगों से जीत आशीर्वाद लिया जाएगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की विजय हो और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का झंडा लहराए। सांवेर विधानसभा के क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए गए थे, वहाँ पे काफी चीज़ें हमने देखी, उसमें ये बात सामने आई कि बाबा महाकाल की इस बार दर्शन में भी तकलीफ आ रही है, साथ साथ जो हमारी तमाम कांवड़ यात्राएं थी वो भी स्थगित कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा महाकाल की स्थापना हम तकरीबन 51,000 घरों में करेंगे और उसके अंदर उसके साथ साथ में पूजन सामग्री भी हम उनको घरों में स्थापित करवाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोच के कि इस कोरोना काल में लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और लोगों को बीमारी घर में ही पूजा पाठ करें, तो 61,000 के रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास हो चुके हैं, 71,000 की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना हम लोग करवाएंगे। साथ साथ सब लोग पूजन पाठ घरों के अंदर करें और अपना स्वास्थ्य और बाबा महाकाल जो कालों के काल हैं, बाबा महाकाल और सब लोगों को जो लड़ने की और शक्ति देते हैं बाबा महाकाल की, हम लोग स्थापना 71,000 घरों में करेंगे।